यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक, एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। एक तरफ तो सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करती है, तो दूसरी ओर अस्पतालों में लापरवाही के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और ताजा मामले की बात करें तो पानीपत के एक निजी अस्पताल का यह मामला है, जहां पर इलाज के लिए आए 4 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने यह कहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने यह तक कहा कि डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए 2200 रुपए जमा कराने को कहा था। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताए बिना ही बच्चे को ICU में शिफ्ट कर दिया। रात को डॉक्टर ने परिजनों को यह जवाब दिया कि बच्चे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बच्चे की मौत हो ही चुकी थी। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, एक और मामला है, ये यूपी का मामला है, जहां जिंदा आदमियों की कदर तो क्या, यहां तो मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा। जी हां, ये मामला है अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहां पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां रखे लावारिस शवों को कुत्ते नोच रहे थे। पोस्टमार्टम हाउस में शवों को रखने के लिए फ्रीजर होने के बावजूद भी शवों को नीचे जमीन पर रखा जा रहा है। और आज इसी मुद्दे पर आपकी राय जानने के लिए हमने फोन लाइंस खोल दी हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन करके अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं और उनसे जुड़े समाधान के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे ये आज का शो और बताते हैं आज के कई सवाल हमारे सामने हैं इन दोनों मामलों को लेकर। तो पहला सवाल, ये डॉक्टर हैं या जल्लाद, ये बड़ा सवाल है क्योंकि हमें मजबूरन ऐसा कहना पड़ रहा है। कब तक मासूमों की जान से खेलेंगे जानलेवा अस्पताल? क्यों मरने के बाद भी अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है मुर्दा लोग भी? कब तक ऐसे ही होती रहेगी अस्पतालों में लापरवाही? कब ये रुकेगा सिलसिला? प्रशासन क्यों नहीं करता ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई? सरकार को ऐसी लापरवाही पर क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। हमें फोन करें, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। आपने देखा गुरुग्राम के बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनके कारनामे सामने आए हैं, जहां पर बच्चों की मौत हुई है, जो बुजुर्ग हैं उन्हें दाखिल किया जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी दिक्कतें होती है और उनकी मौत तक हो जाती है। और बाद में जो जाँच होती है और जाँच पूरी होती है उसके बाद ये मालूम होता है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद उस परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसने अपना पैसा तक बर्बाद किया, उसके बाद भी अपनों को वो बचा नहीं सके हैं। तो इसलिए आज का मुद्दा हम उठा भी रहे हैं क्योंकि ये दो मामले काफी संगीन है। एक तरफ जहां 4 महीने के मासूम की मौत हो जाती है, डॉक्टर की लापरवाही आती है, कथित तौर पर जो परिजन भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले की जाँच होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, उसके बाद ही ये मालूम हो सकेगा कि लापरवाही वाकई में थी या नहीं थी। लेकिन फिर भी हम सवाल उठा रहे हैं कि ये कहां के जल्लाद डॉक्टर है जो लापरवाही करते हैं, क्यों लापरवाही की जाती है, इतने ज्यादा जो है मोटी रकम वसूली जाती है उसके बावजूद भी जान नहीं बचाई जाती है इन डॉक्टरों के द्वारा, जो काफी पढ़ाई भी करते हैं और इसी पर जो है भरोसा करके जो गरीब लोग भी हैं वो भी अस्पताल में आते हैं, सरकारी अस्पताल में ना जाकर प्राइवेट में आते हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं या उनके बुजुर्ग हैं या उनके अपने हैं उनका इलाज बेहतर हो सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। आपने देखा अलीगढ़ का मामला, किस तरह से वहां पर पोस्टमार्टम के लिए एक बॉडी जाती है, एक शव जाता है, लेकिन उसको कुत्ते नोच कर खाते हैं। वो देखिए किस तरह का जो है असंवेदनशील मामला है और इसी को लेकर जो है आज हम सवाल उठा रहे हैं आपके सामने। ये सवाल है, अपनी राय दे सकते हैं कि सरकार को आखिर कितने कड़े कदम उठाने चाहिए इन डॉक्टरों के लिए, क्योंकि सरकार जरूर कहती है कि हम कदम उठाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे जैसे कि डॉक्टर कभी भी ये प्रयास कर भी ना सके और वो खुद में खुद डरें कि ऐसी लापरवाही उनके हाथों से ना हो। लेकिन बावजूद इसके ऐसे मामले आना वाकई में हमारे समाज के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को जो दर्जा दिया जाता है वो भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन भगवान ही जल्लाद बनेंगे तो आगे कौन रखवाला होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अस्पताल तो आज ज़्यादा से ज़्यादा खुले हैं, प्राइवेट अस्पतालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लगाम उन पर भी लगाना होगा ताकि उन अस्पतालों को थोड़ा सा तो डर रहे कि आखिर जो जान की कीमत है वो कितनी होती है उन परिजनों के लिए जो
अपना सारा काम छोड़कर अस्पताल तक पहुंचते हैं और दुआएं करते हैं, डॉक्टर पर भरोसा करते हैं कि किसी तरह से अपनों की जान जो है, जो भगवान रूपी डॉक्टर है, वो बचा सके। लेकिन क्या होता है, उसके विपरीत तस्वीर आती है जब लापरवाही का मालूम होता है उन्हीं परिजनों को। सुमित हिसार से दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर देखिए, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है वो साफ दिखा रहे हैं कि इसमें डॉक्टरों की लापरवाही बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, परंतु जब डॉक्टर की ऐसी हरकतें करें तो किस पर विश्वास किया जाए। एक एक नवजात शिशु पर, एक बच्चे पर कुत्ते नोच रहे हैं, और डॉक्टर और बाकी जो अस्पताल की टीम है वो पूरी तरह से ये सोच रही है कि जो हो रहा है वो होने दिया जाए, तो ये तो गलत है। इसके ऊपर सरकार को और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर्स को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनको नौकरी से भी या उसको आर्थिक दंड दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्या नाम दंड नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आप मानते हैं। शुक्रिया सुमित, आपने अपनी बातें रखी, राय रखी है। तो दर्शक जो सुमित जुड़े थे उनका यही कहना है कि जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ तक कि जो लाइसेंस है डॉक्टर का वो भी रद्द कर देना चाहिए। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हैं, लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, डायल कीजिए और सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे माध्यम से सरकार को भी ये सलाह मशवरा दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आखिर इस तरह के जो डॉक्टर हैं उन पर लगाम कैसे लगाया जाए ताकि वो आने वाले समय में लापरवाही ना करें। लगातार आप हमें फ़ोन करके अपनी राय, अपनी बातें आप पहुंचा सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जहां पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते आपको नुकसान हुआ हो, आपके परिजनों को नुकसान हुआ हो, और उसके बाद भी जो डॉक्टर हैं यूं ही अपना काम करते रहते हैं लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है? तो आप क्या चाहेंगे कि इस तरह की जो कार्रवाई हो वो डॉक्टर पर हो? क्या उनका लाइसेंस रद्द नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही जो है वाकई में बड़ी लापरवाही है। एक मासूम की मौत हो जाती है और उसके बाद जो परिजन है वो आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर की ही लापरवाही थी, क्योंकि एक 2200 रुपये का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद ICU में बिना बताए जो परिजन है, जो बच्चा है, उसको एडमिट किया जाता है, और उसके बाद रात को 2 बजे के आसपास डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपका मासूम बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तो क्या बीती होगी उन परिजनों पर? तो इसलिए जो है लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, और आप डायल कीजिए नंबर और सीधे हमसे संपर्क कर आप बता सकते हैं कि आखिर जो है इन डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार कर सकती है। अपनी राय दीजिए, हमें फोन करें, और लगातार जो है सवाल हम पूछ रहे हैं, ये डॉक्टर हैं या जल्लाद? इसके अलावा और सवाल भी हमारे सामने है, कब तक मासूमों की जान से खेलेंगे ये जानलेवा अस्पताल? क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी, खुद जो हरियाणा के भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं उन्होंने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि डॉक्टरों पर किसी तरह से जो है ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि जो डॉक्टर हैं कम से कम उन्हें ये तो मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह की लापरवाही होती है उसके बाद आप पर जो है इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस तरह की लापरवाही आप ना करें। लेकिन उसके बावजूद कुछ डॉक्टरों का भी यहाँ पर जो है ऐसे उनकी बातें सामने आई थी कि उन पर ऐसे जो कार्रवाई है वो ना हो। उसके पीछे एक ही कारण ये भी था कि वो डॉक्टर चाहते हैं कि अगर इतने कड़े कानून हम पर बनाए लगाए जाएंगे तो हमें भी दिक्कतें होंगी और जो परिजन हैं वो और भी ज़्यादा हावी होंगे। क्या ऐसा सही है? ये भी हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं। तो सरकार ऐसी लापरवाहियों पर बिल्कुल भी जो है ढीली कार्रवाई ना करे, जो डॉक्टर है उन्हें ज़रूर ये बताए और ये समझाए भी कि आप लापरवाही कतई नहीं कर सकते हैं। तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप डायल कीजिए और सीधे हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मामले अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। और इससे पहले आपने देखा कि गुरुग्राम में भी और दिल्ली में भी जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके नाम लिए बिना ही आप समझ गए होंगे कि वो अस्पताल किस तरह के कारनामे करते थे। उन्होंने जो एडमिट हुए थे वहाँ पर जो मरीज़ उनके साथ क्या कुछ किया था, लंबा लंबा बिल बनाया, बड़ा बड़ा बिल बनाया था। एक मासूम बच्चे की भी मौत हुई थी, सिर्फ उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी जो है इलाज संभव था, और समय पर अगर इलाज होता, सही तरीके से होता, तो वो जो बच्ची है वो बच भी सकती थी। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ लाखों में बिल दिया गया लेकिन बच्ची को फिर भी बचाया नहीं गया। और आप सोचिए कि वो बच्ची भी नहीं बच सकी, और उसके बाद इतना बड़ा बिल बनाकर परिजनों के हाथों में थमा दिया जाता है, तो उसके बाद वो कहाँ से इतना पैसा भरेंगे? जो प्राइवेट अस्पताल है उनको बनाने का क्या लक्ष्य था? स्वास्थ्य सेवाएं और भी ज़्यादा सही हो। आशा अंबाला से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। आशा जी, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इन अस्पतालों को लेकर? हमारी सर ये राय है, ये मैं जो देख रही हूँ, एक मुर्दा पड़ा है, उसे कुत्ता खा रहा है।
जी कितनी लापरवाही है प्रशासन की और डॉक्टरों की, कितनी लापरवाही है कि इंसान के साथ क्या उसके साथ हो रहा है, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर। जी मैं पूछना चाहती हूँ स्वास्थ्य मंत्री से, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी कुछ ही टाइम अम्बाला कैंट में एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था जी। उसको भी मोर्चरी ने ऐसे फेंक रखा था नवारिसों की तरह, और बर्फ उसके ऊपर बर्फ गिरी हुई थी ऐसे ही जी। मैं ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से पूछना चाहूंगी कि बड़े बड़े 50 करोड़ों के हॉस्पिटल बनाकर जो बैठे हैं, और बंदों की देखो क्या गति हो रही है, क्या है ये, क्या डॉक्टरों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही और एक मंत्री की लापरवाही, बातें बातें आती है। एक गरीब आदमी का, एक इंसान का सब कुत्ता खा रहा है, शर्म की बात है, शर्म से मर जाना चाहिए जी। स्वास्थ्य मंत्री को शर्म से डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक जानवर घुसकर एक इंसान को खा रहा मरे मुर्दे को जी। क्या होगा इसका, क्या होगा ये क्या करेगी इस तरह के, अगर डॉक्टर हैं जो लापरवाही करते हैं, आशा जी आप क्या चाहते हैं, किस तरह का जो कदम है सरकार को उठाना चाहिए, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को? देखो जी इतना पैसा खर्च होता है, एक एक हॉस्पिटल सरकारी बनाया जाता है, सरकार का इतना पैसा यूज करा जाता है, उसमें पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, मॉर्चरी अच्छी होनी चाहिए। आज अम्बाला कैंट के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करके भी मॉर्चरी रूम नहीं है, लवारिसों की तरह लाश को फेंकी जाती है। एक अच्छा मॉर्चरी रूम बनाना चाहिए, उसमें रखा जाए लाश को तरीके से, एक मुर्दा घर बना, मुर्दा घर नहीं बना इनसे, हॉस्पिटल बन गया मुर्दा घर नहीं बना। चलिए शुक्रिया आशा जी, आपका गुस्सा भी जायज़ है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें जो सरकार है वो करती है, स्वास्थ्य विभाग भी करता है, समय समय पर ये भी कहता है कि हम निरीक्षण करते हैं अस्पतालों का, और ये भी कहते नज़र आते हैं कि इतने करोड़ों का हमने अस्पताल बनाया है, यहाँ पर सुविधाएं दी हैं, लोग आते हैं सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ आती है, सच्चाई यहाँ आती है सरकारी अस्पतालों की भी और प्राइवेट अस्पतालों की, दोनों की हम बात करें, क्योंकि एक मामला प्राइवेट अस्पताल का है, पानीपत का ये अस्पताल है जहाँ पर एक मासूम की जान चली जाती है, 4 महीने का वो मासूम था, और ये जो अस्पताल देख रहे हैं आप तस्वीरों में, इसी अस्पताल में वो एडमिट था, किसी तरह का जो है इलाज किया जा रहा था उस मासूम का, लेकिन 2200 रुपये का इंजेक्शन, आप अंदाज़ा लगाइए एक इंजेक्शन की कीमत 2200 रुपये, और जो परिजन है वो खुशी खुशी दे देते हैं पैसा सिर्फ अपने बच्चे के लिए, ताकि उसके बच्चे की जान बच जाए, किसी तरह सही सलामत रहे, लेकिन उसके बाद जब परिजनों को ये खबर मिलती है कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तो वाकई में उनका गुस्सा जायज़ है, वो गुस्सा करेंगे, आक्रोशित होंगे, उसके बाद वो हंगामा भी करेंगे, लेकिन डॉक्टरों की जो लापरवाही है वो तो कम से कम ये है, उस पर लगाम लगानी चाहिए। तो एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं देने का दावा करती है, दूसरी ओर अस्पताल में लापरवाही के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला हमने आपको जैसे कि लगातार बता रहे हैं, पानीपत के एक निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है, और जहां इलाज के लिए आए 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अलीगढ़ की तस्वीर है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पानीपत की तस्वीर है। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, परिजनों ने कहा है कि गलत इंजेक्शन की वजह से ही बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने ये भी बताया है कि डॉक्टरों ने बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए 2200 रुपये जमा कराने को कहा था, इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे का शरीर एकदम से नीला पड़ गया, उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताए बिना ही बच्चे को ICU में भर्ती भी कर दिया, शिफ्ट कर दिया, रात को डॉक्टर ने परिजनों को जवाब दे दिया, इसके बाद बच्चे की मौत हो गई है। मामला यहीं तक नहीं है, दूसरा मामला भी है, जिंदा आदमियों की कदर तो क्या होनी थी साहब, यहाँ तो मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये मामला अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते यहाँ लावारिस एक शव रखा था, वहाँ पर कुत्ते उसे नोच कर खा रहे थे। पोस्टमार्टम हाउस में शवों को रखने के लिए फ्रीजर होने के बाद भी शवों को नीचे ज़मीन पर रखा जा रहा है, और आज इसी मुद्दे पर हम आपकी राय जान रहे हैं, लगातार जो है नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप फ़ोन कर सकते हैं, कई सवाल हमारे सामने हैं, फ़ोन करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं, अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं कि आखिर आपकी समस्याएं अगर हो सकती हैं इन भविष्य में भी, अगर आपके साथ ऐसा मामला हो तो आप समाधान क्या चाहते हैं, क्या इस तरह के डॉक्टरों पर जो है लापरवाही का मुकदमा तुरंत प्रभाव से दर्ज नहीं होना चाहिए, क्या इनको डर होना नहीं चाहिए कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का डर नहीं होना चाहिए, प्रशासन का डर नहीं होना चाहिए, प्रशासन भी जो है सिर्फ देखता रहता है, कार्रवाई नहीं करता है। अमित करनाल से एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर, अमित क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए अस्पतालों में चाहे सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है, ऐसा ये कोई पहली बार ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है जिसमें बच्चे की मौत हो गई हो, या कहीं अस्पताल में आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कुत्ते जो है शव को नोच रहे हैं, ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। ये असल में हिंदुस्तान की जो है ना एक ऐसी ही बन चुकी है कार्य प्रणाली की, हिंदुस्तान में एक बात अगर कोई सामने आ जाती है तो कुछ दिन तक जरूर उस पर आवाज उठाई जाती है, उसके बाद फिर उसको शांत हो जाता है सारा मामला।
अब ये मामला भी आपने उठाया है, कुछ दिन तक ये जरूर लाइमलाइट में रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाके तीन पात वाली कहावत हो जाती है। तो जब तक सरकार इसको लेकर ठोस कानून नहीं बनाती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपके टीवी चैनल पे देखा था कि वेदांता अस्पताल, फोर्टिस और मैक्स जैसे अस्पतालों में भी लापरवाही, बच्चे की मौत हो गई और लाखों रुपए का बिल भी उन्होंने थमा दिया, लेकिन क्या कार्रवाई के नाम पर? कुछ दिनों तक कार्रवाई के नाम पर ढिंढोरा पिटा जाता है, उसके बाद फिर से वही सब कुछ वैसे पहले की तरह चल पड़ता है। तो जब तक हमारी सरकारें इसे लेकर सख्त नहीं होती, तब तक इन चीज़ों को बदला जाना जो है बहुत ही मुश्किल है, और सरकार को भी इस बारे में जो है कठोर एक्ट लाना चाहिए, वो चाहे केंद्र की तरफ से हो या प्रदेश सरकार की तरफ से हो, क्योंकि सरकारें अपना एक्ट तो ले आती हैं, लेकिन उसको लागू कौन करेगा? लागू तो अधिकारियों ने करना है। जब तक अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो वो कैसे सही हो सकता है? कभी भी सही नहीं हो सकता। आप मीडिया में हो, मीडिया भी कब तक इस चीज को आवाज उठाएगा? मीडिया दिखा देगा, मीडिया भी कुछ दिन तक दिखाने के बाद फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। चलिए, कोशिश हमारी भी रहती है कि इस तरह से जो मुद्दे हैं उनको ढका नहीं जाए, उनको दबाया नहीं जाए, आपके सामने लाया जाए, आपकी राय जानी जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी शिकायत भी जायज़ है, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो सिस्टम से हो, चाहे वो अधिकारियों से हो, चाहे वो सरकार से हो, क्योंकि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, ये मामले बहुत कम आते हैं, इसके अलावा भी कई मामले ऐसे हैं जो समय समय पर दब जाते हैं। जो डॉक्टर हैं उनका भी रुतबा ज़्यादा होता है, उनकी जान पहचान बहुत आगे तक होती है, ऐसे भी आरोप उन डॉक्टरों पर लगते हैं कि अपनी पहुँच का फ़ायदा उठाकर जो परिजन हैं, जो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, उनके जो अपने खोए हैं उनको जो पा तो नहीं सकते, लेकिन किसी और के साथ ऐसा मामला ना हो, वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा हंगामा जरूर किया जाए, ताकि जो बहरे हैं कान के, जो कान होने के बावजूद भी सुन नहीं पाते हैं, उनको सुनाया जाए कि ये हमारी समस्याएं हैं, और ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए आने वाले समय में। तो इसलिए आज भी हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि इन मुद्दे उठाने से जो है जरूर सरकार को थोड़ा बहुत तो ये जरूर ज्ञान होगा कि आखिर आपके जो सत्ता में रहते हुए क्या काम हो रहे हैं, डॉक्टर किस तरह से जो है लापरवाही कर रहे हैं, कि आज पानीपत में ये मामला सामने आया है, कल को कहीं आएगा दूसरी ओर, परसों कहीं और मामला सामने आएगा। आने वाले समय में डेट बदलती है, तारीखें बदलती हैं, महीने बदलती हैं, लेकिन ये लापरवाही का सिलसिला नहीं बदलता है, यूं ही बदस्तूर जारी रहता है। डॉक्टर दिन ब दिन ऐसी लापरवाही करते हैं, जैसा कि हम पहले भी कहा है कि कई मामले दब भी जाते हैं, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो ये मामले उठते हैं, हम भी उठाते हैं और आपकी राय जानते हैं। आप ताकि सरकार को भी बताएं हमारे माध्यम से कि आपकी परेशानियाँ क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको कानून से कितना सरोकार है, आपको कानून से कितना फायदा हो रहा है, क्या ये ढीला कानून नहीं है, कहीं ना कहीं और जो है सख्त कानून बनाना चाहिए डॉक्टरों के खिलाफ भी, और भी जो सिस्टम में चीज़ें हैं उनको भी बदलने की ज़रूरत है, उनको भी कड़ा करने की ज़रूरत है, उन पर भी जो है किसी तरह से जो है ये कहने की उन अधिकारियों को ज़रूरत है कि आप उठिए, नींद से जागिए और इन डॉक्टरों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की कोशिश तो कीजिएगा, ताकि इनको भी थोड़ा बहुत खौफ रहे आपका। जो आप बैठे हैं, आप तनख्वाह लेते हैं मोटी मोटी, लेकिन आप जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, तो ये गुस्सा जो है हमारे दर्शकों का भी जायज़ है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, लगातार जो है नंबर फ्लैश हो रहे हैं, डायल कीजिए और सीधे हमसे बातचीत आप कर सकते हैं, अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं। आपके पड़ोस में ऐसा हुआ हो, आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ हो, तो हम अपने हमें बता सकते हैं और सीधे हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो सवाल लगातार फ्लैश हो रहे हैं, ये डॉक्टर हैं या जल्लाद, ऐसे जो शब्द है उसका प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये आपसे जुड़ी ही समस्या ही है। और कब तक जो है लापरवाही इस तरह के अस्पताल करते रहेंगे, क्यों मरने के बाद भी अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है शव तक, कब तक ऐसे ही होती रहेगी अस्पतालों में लापरवाहियां, प्रशासन क्यों नहीं करता ऐसे लापरवाह डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई, आज हम यही मांग उठा रहे हैं। सरकार को ऐसी लापरवाही पर क्या कदम उठाने चाहिए, कब तक जो है कड़ा कानून आएगा, कब तक डॉक्टरों को एक डर दिखाया जाएगा कानून का, ताकि आने वाला समय हमारा स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षित रहे, क्योंकि आधुनिक ये युग है, आधुनिक ज़माना है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत आगे तक जा चुकी हैं, आज हर संभव इलाज है हर बीमारी का, लेकिन उसके बावजूद भी कीमती जान जा रही है। इसके पीछे आपको जो है जांच करनी चाहिए, जांच तुरंत प्रभाव से बिठानी चाहिए, उसके बाद जांच बहुत जल्दी होनी चाहिए, उसका जो फैसला है वो भी करना चाहिए, और उन डॉक्टरों को भी जो है उनका लाइसेंस भी रद्द करना चाहिए, ऐसी मांग भी हमारे दर्शक उठा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं को धक्का लगेगा, आप इतना पैसा बर्बाद करते हैं और इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी अगर जो आम इंसान है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता है, उसकी जो जान है वो नहीं बच पाती है, तो इस स्वास्थ्य सेवाओं का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपके पैसे बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं है। विकास हिसार से एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर, विकास क्या कहना चाहेंगे इन मामलों को लेकर आप? सर देखिए, कहीं ना कहीं हर बार के लिए फिर सरकार को दोषी ठहराया जाए, क्या इनके पेरेंट्स की जो जिम्मेवारी नहीं थी, वो बच्चों को बाग में भेज रहे हैं अकेले इस तरीके से, क्या उनके साथ कोई बड़ा
आदमी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, माना कहीं ना कहीं है जिम्मेवारी सरकार की, उसको भी एक इस तरह के कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए चलते हैं, काफी अभियान चलते हैं हमारे देश में, लेकिन अब यहाँ नहीं दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर दोषी नहीं माना जा सकता, इससे ज्यादा दोषी उसके घर वाले हैं जिन्होंने बच्चों को अपने जिगर के टुकड़ों को यूं अकेले भेज दिया। जी शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है, लेकिन ये दो मामले अलग से हैं। आपको बता दें कि पहला मामला जो है पानीपत के एक अस्पताल का है, जहाँ पर जो परिजन हैं वो अपने बच्चे को लेकर गए, 4 महीने का वो बच्चा था, उसकी जान चली गई है। यही हम कहना चाहते हैं कि उसी परिवार को मालूम है कि वो दर्द क्या है, उस बच्चे का दर्द क्या है जो 4 महीने तक उनके साथ रहा, उसके बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके पास नहीं है, उनकी यादें हैं, गुस्सा है उनके दिल में, उनके दर्द है उनके दिल में, आंसू के साथ बह रहा है वो दर्द, और ये भी कह रहा है चीख चीख के, ये आंसू भी कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो कुत्ते हैं वो नोच रहे हैं एक शव को, इस शव के साथ किस तरह से जो है बर्बरता की जा रही है, ये बर्बरता ही है और कुछ नहीं है। इसके बाद हम सवाल भी उठाते हैं लेकिन उनके जवाब बहुत देर से मिल पाते हैं। राकेश दिल्ली से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे आप? सर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल गलत है। ये जब ऐसा होता है तब तब और लोगों के ऊपर भी गलत इफेक्ट पड़ता है और कुछ डॉक्टर्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि क्योंकि जब लापरवाह डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो बाकी लोगों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी लापरवाह होने लगते हैं। तो इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बाकी लोगों को भी सबक मिले। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम यही लगातार कह भी रहे हैं, तभी तो दूसरे डॉक्टर को एक संदेश जाएगा कि आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि सभी डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो कोशिश करते हैं अपनी ओर से, कई बार हो जाता है कि किसी की जान चली जाती है, वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव में इस तरह इलाज के लिए आते हैं जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सकता। हम कतई नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी और इसलिए हम चाहते हैं कि उन डॉक्टरों पर ही कार्रवाई हो जो असल में लापरवाही करते हैं। दूसरे डॉक्टर्स भी होते हैं जो अपनी तरफ से पूरे इलाज में कोशिश करते हैं। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं और सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुआ था वो अब ठीक है, बाकी सब ठीक है। जहां तक सवाल है यहाँ का और हरियाणा सरकार का, देखियो हरियाणा की जो पहचान है वो 3 चीज़ों से, हरियाणा की पहचान जो है वो 3 पहचान लगा लो, जवान और खिलाड़ी और किसान। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है इन्हें तीनों का अपमान किया एक एक करके, किसानों का भी, जवानों का भी और खिलाड़ियों का भी। जो हरियाणा की असली पहचान है वो इस सरकार ने उनका अपमान किया। किसान का आपने देखा कि वो सरसों की फसल हो और चाहे अब गेहूं की फसल है, सरसों की फसल का MSP भी नहीं मिला, 500, 700, 800, 1000 रुपया कम बेच के किसान को आना पड़ा। और अब जो मंडी में जिस प्रकार से किसानों की लाइन लगती है और आधार का कोई कभी आधार कार्ड मांगेंगे सारे परिवार को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इस किस्म से किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। और जगह जगह आप देख रहे हैं मंडियों में ताले लग रहे हैं और मार्केट जो कमेटी के दफ्तर हैं उनको लोग किसान ताले लगा रहे हैं और गेहूं की पूरी खरीद नहीं कर पा रहे, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, इस प्रकार से वो है। और खिलाड़ियों का आपने देखा, हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से केवल अपने प्रदेश का नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। छोटा सा हमारा प्रदेश है और 1/3 मेडल हमारी स्टेट को मिले, और हालांकि 2010 में इससे भी ज़्यादा थे और बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 1/3 मिले हैं। ये सब हमारे खिलाड़ियों की मेहनत से, और उनको जिस प्रकार से अपमानित किया गया ये पहला मैंने सुना है कि जब उनका सम्मान का एक समारोह जो है उसको बाइकॉट
खिलाड़ी करते हैं तो इससे ज़्यादा अपमानित खिलाड़ी अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। इस सरकार को 3 साल से ज़्यादा हो गए, 3.5 साल हो गए, एक भी खिलाड़ी को इन्होंने नौकरी नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये RTI के जवाब में कभी कुछ नीति बनाते हैं, कभी कुछ नीति बनाते हैं, और अब जो खिलाड़ी खेल के आया है, मान लो रेलवे में नौकरी कर रहा है, वो हरियाणा का खिलाड़ी है, हरियाणा का खिलाड़ी है, तो उसको ये कंडीशन लगाना कि भाई जितना रेलवे देगी वो माइनस कर मंगवा लेते ना, कोई वो एक उसके लिए नहीं खेला, तो प्रदेश के लिए नहीं खेलता, वहाँ देश के लिए खेलता है। कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, अभी प्रदेश के लिए नहीं खेला करते। हमारे समय में जो आया सब कोई भी खिलाड़ी, और नीति तो हमारी ये थी कि खिलाड़ी हरियाणा का, चाहे उसकी माँ हो चाहे बाप हो, एक हो तो हरियाणा का ही हो खिलाड़ी माना जाता है, सम्मानित करते थे, खिलाड़ी को बढ़ावा देते थे। आज खिलाड़ी का अपमान, और जितने स्टेडियम बनाए थे हमने हमारे समय में, आज किसी का रख रखाव नहीं हो रहा। अगर पूरा प्रोत्साहन दिया जाता सरकार की ओर से, तो मैं कहता हूँ तो इधर करो आप, ये इधर आपका 1/3 मेडल आए हैं, करो ना कुर्सी थोड़ी सी इधर, अगर पूरा प्रोत्साहन मिलता तो आधे से ज्यादा मेडल। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। मानेसर जमीन घोटाले मामले में आज ही जमानत मिली है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और सीधे निशाना साधा है हरियाणा सरकार पर। मुद्दा था किसानों का और खिलाड़ियों का, क्योंकि खेल नीति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं हरियाणा सरकार की इस खेल नीति को लेकर ही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।